नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। भाइयों, आज की एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। कहाँ की है, कैसे है, सब पता करेंगे। सबसे पहले जितने भाई बैठे हैं सभी को राम राम है। ताऊ जी राम राम है। जितने बड़े हैं सभी को राम राम है, छोटे को भी राम राम है। तो साहब, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो होने वाली है हसनपुर कलां, गढ़ रोड हसनपुर कलां की है। इधर भैया जी बैठे हैं, प्रधान जी हैं, सभी को राम राम है जी। हाथ जोड़ के पीछे भी बैठे हैं भैया, सभी का स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हो। तो भैया जी, आज की वीडियो कैसे कैसे होने वाली है, पहले तो ये बताओ। भैया बताएंगे जी, बड़े भैया हैं संजय प्रधान जी, ये बताएंगे। प्रधान जी का तो समर्थन बहुत तगड़ा है जी। प्रधान जी का जितना भी वो क्या कहते हैं जी, एक तरीके का जितना भी कह सकूँ उतना कम है जी। बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया समर्थन अच्छा है जी। अच्छा, प्रधान जी का स्वागत है। राम राम प्रधान जी। नमस्कार भैया। तो प्रधान जी, आपके परिवार में ये भैंसा है जी। तो इसके आज की वीडियो बनवा रहे हो, इसकी खासियत क्या है, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, ये भैंसा जो है हमारे छोटे बाबा जी हैं, हमारे पिताजी के चाचा हैं। अच्छा जी, बैठे बाबा जी। अच्छा जी, इधर इनका जोटा आ जी। अच्छा जी, ये इनका बेटा है। अच्छा जी, ठीक जी, मैं इनका जोटा आए। अच्छा जी, और ये 15-16 किलोमीटर जोटा सही भागता है। अच्छा, लंबी दूरी का भैंसा है। जी, 15 किलोमीटर की दूरी का भैंसा है। बहुत बढ़िया जी। तो इससे पहले कहीं किसी गेम वगैरह में? नहीं, अभी तक इससे गेम निकला, गंगा स्नान गया, बड़ा अच्छा गंगा स्नान नहा था यार। अच्छा, गंगा स्नान जाते हैं, हर साल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी, ये अपना दांतों में कैसा है? कानी लग लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कानी लग चुका है, बहुत बढ़िया। तो भैया जी, जैसे कि आपकी लंबी दूरी है, लंबी दूरी के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बस लंबी दूरी है जी, अपना तैयारी कर गए। हाँ जी, कोई भी अपना देख लेंगे, जो को घर आके कहेगा तो भगा भी लेंगे जी हम 15 किलोमीटर वैसे भी। अच्छा, कोई भी घर आके कहे, अभी पर थोड़ा समय जो है। कहना ये है कि चैलेंज किसी के लिए नहीं है। अगर हमारा 15 किलोमीटर का तैयार कर रहे हैं ये लोग जी, अगर कोई आगे इनसे जबरदस्ती बहुत बढ़िया। इधर प्रधान जी का तो स्वागत है ही है, आप जी का शुभ नाम बोलो जी एक बार। मुन्नू सिंह गाँव अमरपुर जी। अमरपुर, अच्छा, ये अमरपुर कहाँ पे पड़ता है? अमरपुर भैया हमारे यहीं से लिंक रोड है, 1.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है। सारे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भाईचारा है हमारा, भाईचारा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है जी। जी आपका शुभ नाम बोलो जी एक बार। मेरा दीपक चौधरी, अमरपुर से। दीपक चौधरी अमरपुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर बाबा जी हैं, बाबा जी का स्वागत है। राम राम बाबा जी। राम राम। तो बाबा जी एक बार शुभ नाम बोलो जी अपना। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, गाँव हसनपुर कलां, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राम राम बाबा जी, एक बार शुभ नाम बोलो जी। गजे सिंह, गांव हसनपुर कलां, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। इधर भैया जी का शुभ नाम। राम राम। प्रवीण प्रधान। करण सिंह। प्रवीण सिंह लगाते हो आप, क्या लगाते हो? प्रवीण प्रधान लगाते हो। बहुत बढ़िया जी, प्रधान जी। इधर भैया जी का शुभ नाम। रजनीश काजला। बहुत बढ़िया जी। पीछे तो फौजी साहब है, फौजी साहब। राम राम भैया जी। इधर भैया जी का शुभ नाम। बहुत बढ़िया भैया जी का। सचिन खटाना भैया जी। मोहित खटाना जी, हसनपुर से। बहुत बढ़िया भैया का। लक्की सुहानपुर। बहुत बढ़िया। तो जी, अब ये दो बहुत ही समझदार और चर्चित हस्ती हैं, इनसे आज चर्चा करेंगे जी, इनसे दो बातें करेंगे। पहले तो बाबा जी, आप ये बताओ आपकी उम्र लगभग कितनी हो चुकी है? 71 साल। 71 साल में तजर्बे भी बहुत करे होंगे आपने जी। तो बाबा जी, आपका भैंसे, ये भैंसा कैसी चीज़ है आप ये बताओ पहले तो। एक नंबर का है, फर्स्ट क्लास बढ़िया।
पशु मतलब कहने का ये है जी, भैंसे का शौक किस लेवल का है? शौक तो मुझे शुरू से ही है, बैलदार भैंसे का। बाबा जी इसकी दूरी जो होती है भैंसे की, मायने असली मायने में दूरी क्या होनी चाहिए भैंसे की, असली मायने में? भगने की दूरी। देखो जो आपने इतनी एक्सपीरियंस है, बाबा जी भी हैं साथ में, मैं इनसे भी पता करूंगा। कहने का मतलब ये है आपने उम्र ख़त्म कर दी अपनी इसी किसानी धंधे में, तो आपने अच्छा बुरा भी देख लिया। तो कहने का मतलब आपके सामने पशु मरते हैं, आपने ये भी देखा है, जीतते हैं ये भी देख रहे हैं आप। तो असली मायने में जो भैंसे की दूरी है बाबू जी, मेरा कहने का मतलब जिसमें भैंसे को परेशानी ना आए, वो क्या है? असल मार जाते हैं भैंसे जो होते हैं अपने सिवाने के मर्द होते हैं, सिवाने के मतलब पूरा क्लियर, 2-3 किलोमीटर बस। अच्छा जो दूरी है असलियत में मायने में भैंसे की 2-3 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। बाबू जी ये जो 40 किलोमीटर की दूरी रखी जा रही है वो सही है? नहीं गलत है। गलत है? अच्छा तो बाबू जी आपने इतना काम करा है भैंसे से, आपने सारे काम करे हैं आज तक, तो जाहिर सी बात है आपके गांव में भी बहुत शौक है जी। गंगा स्नान आपके घर के आगे से निकलते हैं जी। तो बाबू जी उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप, जो इतनी लंबी 65-70 किलोमीटर भैंसे लेके आ रहे? उनके बारे में कहना, देखो जी उनके कोई होशियार नहीं है, जीव को सताना है। कोई देखो नाम ऊंचा नहीं होता, ऐसा थोड़ी देर बाबा भाई उसका भैंसा जीत गया। हाँ जी, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है सिवा नुकसान के अलावा। अब इस साल में 8 भैंसे इस रोड पे मर गए। 8 भैंसे इस रोड पे मरे हैं जी, कंपटीशन में मरे हैं। कंपटीशन में जी। तो बाबू जी वो जीव तो जान से गया, जीव जान से गया। पैसे की हानि हुई किसान की? पैसे की हानि हुई, 5-5 लाख रुपए भैंसा जो 5 लाख रुपए भैंसे के लग रहे थे वो खत्म हुए हैं जी। कोई भैंसा 2 लाख से 1 लाख से कम करेगा जो मरे हैं? जो मरे हैं 2 से 1.5 से कम नहीं था। कहने का मतलब ये है कि बाबू जी शौक करो अपने खूंटे का, करो 1-2 किलोमीटर का करो, अपने काम का शौक करो। बहुत बढ़िया बाबू जी ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा खाओ, अच्छा पहनाओ उसे, बढ़िया काम करो उससे, बढ़िया काम करो जी, अपना शौक है ये अपने खूंटे का। बहुत बढ़िया जी बाबू जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इधर बाबू जी हैं, बाबू जी से भी परिचय करेंगे, बाबू जी से राय लेंगे। बाबू जी आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब ये है बाबू जी कि भाई 2 मोटरसाइकिल पे इधर से चौबे मार रहे, 2 से इधर से मार रहे, उसका शौक नहीं, जीव हत्या है। आपके सरकार ने रोक भी लगाई थी बाबू जी, इसी कारण लगाई गई थी रोक, इसी कारण रोक लगाई थी कि भाई पशुओं पे अत्याचार ना किया जाए। ठीक है बाबू जी, आपके समय में जो रेस होती थी वे बढ़िया थी, आज के रेस की बढ़िया है बाबूजी? वो रेस बढ़िया थी। वो बाबूजी रेस कैसे बढ़िया थी? वो जेब हिस्सा नहीं थी, वो 1-2 किलोमीटर रेस रखे थे जी, और मिनटों के सेकंडों में रखी जावे। सबसे बढ़िया रेस हुई लगी पट्टी वाली। एक किलोमीटर की 800 मीटर पर बाबू जी, उसमें टंडी भी वो सीमित थी, 2 या 4 टंडी होती थी, 2-4 चौबे होते थे, उसमें सीमित थी। आज की रेस में तो बाबू जी कोई सीमित ही नहीं है, कोई सीमित नहीं है, है ना, ऐसे कह देते हैं फ्री स्टाइल है, जबरदस्ती हत्या है ये, फ्री स्टाइल है मारने का, सही है जी गलत है? कहने का मतलब ये है बाबू जी, आज आपकी जो रेस हुई है, मैं सभी को नहीं कहूँगा, मैं तो एक बात करता हूँ कि भाई पशुओं को अपना अच्छा पशु रखो, अच्छे पशु की खवाई करो, अच्छा शौक करो। बाबू जी पैर हमारे यहाँ के गोहरे के हैं प्रधान जी, अमित घोरा जी, कम से कम उसका मतलब 20 लाख रुपया नुकसान है इस साल में, 20 लाख का नुकसान है इस साल में, दो मैसे मरे हैं उसके, एक दिन, 12 घंटे में, दोनों जोटे बहुत अच्छे जीते, दोनों
वैसे। एक बार बता, भैंसों का काम घोड़ों के तरीके लिया जा रहा है, घोड़े थोड़े ही हैं, 40 किलोमीटर भगा रहे हैं घोड़े भी, फिर कर दिए 40 किलोमीटर। छोड़ो मशीनरी तो फेल हो जाएगी, थोड़ी बहुत 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो बाबूजी मेरा यही समर्थन रहता है कि पशु को सताओ ना। देखो कुछ भाई कहते हैं कि आप लोग चैलेंज छुड़वाते हो, कुछ लोग मेरे से भी कहते हैं कि आप लोग चैलेंज छुड़वाते हो, कि चैलेंज मैं नहीं कहता कि कोई चैलेंज छोड़े। सही बात है, वो आप अपनी मर्जी है, चैलेंज छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता, मुझे तो गेम से मतलब है भैया, गेम दिखाओ बढ़िया। अब हमारा वैसे ही वीडियो बना रहे हो आप जी, हमें इसका कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं, अपने घर के लिए शौक के लिए काम रखा, अपना जी करा भगा लें थोड़ा घना, नहीं थोड़ा शौक के लिए। मेरा काम तो ये होता है कि अच्छा पशु दिखाया जाए, बस जितना भी भगेगा बिना पीटे जाएगा, बिना पीटे जाएगा जहाँ तक भी जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो बाबू जी आप ये चीजें जो हो रही हैं, समर्थन है आपका नहीं, ये जो लंबी दूरी है, मारपीट है, अत्याचार है, समर्थन नहीं है, अत्याचार है, ये समर्थन नहीं है। आप लोग कतई इस चीज के साथ नहीं हो, विरोध है आपका कि भाई पशुओं की कम दूरी की जाए। प्रधान जी अगले दिन जैसे आपका वो अमित घोरा भैया का वैसा एक्सपायर हुआ था, फिर अगले दिन रेस कम, दूरी कम की गई थी उसमें भी। हाँ, जो हमारे यहाँ पड़ोस में गांव है भटीपुरा जी, वहाँ से रेस भगनी थी वो जी, वो गढ़ नहर तक रेस भगनी थी, 19 किलोमीटर, वो 24 किलोमीटर दूरी थी पहले उसकी, फिर उसकी घटा के वो हमारे गांव से भगवाई जी, और आगे राव डेरी तक भगवाई, उसकी दूरी जो है 19 किलोमीटर कर दी, 19 कर दी, मतलब 5 किलोमीटर कम कर दी, घटाई गई। क्या बात, ये उनकी समझदारी रही। पर उसमें भी एक झोटा जो है महरूल लिखो का, उसमें भी मर गया, उसका कारण क्या सुनने में आया? कारण जो है भैया ये धूल का कारण है, इस बार तो रोड पे डस्ट बहुत है, बहुत ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा धूल है, डस्ट फेफड़ों में जाके जकड़न करती है जी। तकरीबन गंगा स्नान को कितने समय हो गया निकले हुए जी? अभी 15 दिन हो गए जी, 15 दिन से बाबू जी मेरा गला सही नहीं हो रहा, 15 दिन से गला सही नहीं हुआ, तो पशु कहाँ से सही हो जाएंगे? तो कहने का मतलब ये है भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है, दोनों ही चीजें दबाओ जो इतना बनाते हैं पशु, तो दबाव के कारण ज्यादा भी सही नहीं है। देखो गेम करो, 2-4 किलोमीटर कर लो, वो बढ़िया है, बस, 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 है ना, बस, बस, जिसका पशु जहाँ रुक जाए वहीं थाम दो। बाबू जी आपके आप, मैं गंगा स्नान के मेले से पहले एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि भाई सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई जिसका पशु जहाँ रुक जाए उसे रोक लो, है ना जी, कि बहुत बढ़िया है, अपने पशु को रोक लो, अगर वो तैयार नहीं है अगली बार फिर तैयार करो अपना, और क्या, सही है जी, गलत है, जबरदस्ती हत्या है, अपने थोड़ा ना मानना कि मेरा यहाँ क्यों रुक, मेरा यहाँ क्यों रुक, बाहर उसे ले जाने धकेल के, बिना पिटाई के करो पशु का। गेम तो वो है जी, गेम तो वो है, 2 डंडी बिल्कुल 2 चौपे भैया चल रहा, यहाँ तक चल रहा है, अपना वैसे सिखाओ, इतना ट्रेंड करो पशु को, अपनी मर्जी से जा, बहुत बढ़िया कलाकारी, वो है कलाकारी, पिटाई से तो कोई भी, वो कहते हैं पुरानी मिसाल है बड़े बुड्ढों की, मार के आके तो भूत भी नाच गया, भागेगा जी अपनी मर्जी से भागेगा, क्या बात है। तो भाइयों वीडियो को लंबा ना करते हुए भैंसा दिखाते हैं जी आपको, बाबा जी कह रहे कि इसकी असलियत बहुत जबरदस्त है, मारता नहीं कुछ नहीं करता, शान सिक्का बहुत शानदार है, भाइयों बीच की दूरी देखो बहुत ज्यादा गैप है, कन्नी लगे हुए कितना समय हो लिए? 2 महीने हुए हैं कन्नी लगे हुए जी, तैयारी में है इस टाइम? नहीं ना, इतना तो तैयारी में ना है जी, अभी तो गन्ने गिर रहा है मील पे, ये बात तो भैया जी, सेल सेल कर सकते हो इसे? नहीं। सेल कर सकते हैं जी, नहीं, अगर जायज पैसा मिलेगा, जायज पैसा मिलेगा, अगर जायज मिलेगा तो सेल कर सकते हैं। क्या बात है बाबू जी, अगर उचित दाम मिले तो क्या दिक्कत है पशु? कोई नहीं, उचित दाम मिलेगा तो सेल कर देंगे, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भाइयों पीड़ा है, पीड़ा है, क्या बात है, क्या बात है, पीड़ा में दिखाते हैं इसकी दूरी आज की कितनी होने वाली है? जितनी आपको अच्छी लगे जी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, जो आपकी
पशु भी ना दिक्कत आए? पशु को तो 10 किलोमीटर चला लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई नाम वाम है भैंसे का आपका? ना जी, नाम कुछ ना जी, नहान से 2 महीने पहले आया जी मैं। अच्छा, नहान से दो महीने पहले। कितने का लेके आए आप इसे? जब तो मैं जी 65,000 रुपए का लाया था इसे। 65,000 की लाने के बाद तैयारी करी अपनी? तैयारी करी जी, और गंगा स्नान बढ़िया नहाई जी, किससे बहस नहीं करी और टॉप आया जी। क्या बात है, क्या ट्रैक्टर के पीछे आया अपना? अच्छा, ट्रैक्टर ले गया अपना, ट्रैक्टर के पीछे आया जी, बढ़िया। क्या बात है, डंडी मारे हुए टॉप। अगर अगर आज के टाइम पे प्रेजेंट में अगर आप इसकी कीमत रखते हो तो क्या कीमत रखी जाएगी? देखो बताना तो आपको पड़ेगा। ये तो कोई कह नहीं सकते जी, पर जो जायज होगा जी उसमें हम सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। असल में कहने का मतलब ये है, कुछ भाई कहेंगे कि भाई आपने ना तो अमाउंट खोला जी, और एक बार अपना नंबर भी बोलो। मेरा नंबर है जी 7983419629। एक बार हिंदी में भी बोल दो। 9629 83 41 9629। ठीक है जी, तो भाई जी इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। कहने का मतलब ये है, उचित अगर दाम लग गए हैं इस भैंसे के तो 2 महीने पहले ही कन्नी लगा है, दांत दिखा दो जी एक बार। तो भाइयों दूध जैसे बिल्कुल से बिल्कुल साफ दांत है जी, बढ़िया दांत है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गंगा स्नान से पहले इसके 75,000 रुपये लग भी गए। अच्छा, 75 लग चुके हैं जी, क्या बात है जी, क्या बात है। तो प्रधान जी अब तो गन्ने की तगड़ी वाली तैयारी चल रही है लोगों की, हैं अब तो गन्ने का सीजन है, आगे आगे किसान सारे बिजी हो जाएंगे जी अब तो। सभी लोग बिजी हैं जी, सब गन्ने में बिजी हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। ये हमारे सामने बैठे हैं साहब, साहब का शुभ नाम बोलो जी एक बार, स्वागत है जी आप। बिकल खटाना, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, जोड़ेंगे पीढ़े में, जोड़े पीढ़ के दिखाते हैं जी आप। लो जी भाइयों, हाँ, पीढ़ा जुड़ लिया, मैसे को फिट कर दिया जी पीढ़े में जोड़ के इन्होंने। पीढ़ा भी 5-19 वाला है जी ये तो। हाँ जी, 5-19 का सेट है जी पीढ़े में। इसके भी फायदे हैं, अगर इसके नुकसान है तो इसके फायदे भी हैं। बहुत फायदे हैं जी, सबसे मेन बात तो पलटने का डर नहीं इसका। पलटने का डर नहीं है, और तो एक बार लोड लेके चलेगा तो निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। मोटरसाइकिल के पहियों पे विश्वास नहीं है जी हमें बिल्कुल भी। सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। थोड़ा सा भैंसा हमारा बिच रहा है इसमें, मोटा होगा जी गंगा जाने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ इसमें यहाँ कपड़ा बांध लो कोई ना, थोड़ा छोड़ लेगा कोई दिक्कत ना, चल जाएगा ठीक हो जाएगा। मोटरसाइकिल लेके भी फिट हो रही है जी। राम राम भैया, मारे हो रोज लेके जान लग रहे हैं वैसे भी, कई मोटरसाइकिल हो ली बाबा जी भी मोटरसाइकिल हो ली अपनी का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाइयों। भैंसा लिया पहुंच, देखो नजर कैसे खड़ी होगी। जरा जल्दी कर लो, जल्दी ट्रैफिक का मामला बहुत ज्यादा है। चल चल, एक मोटरसाइकिल आके कर लो, एक मोटरसाइकिल आके कर लो।
आ गए हैं जबरदस्त चीज है। चल 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 बहुत है बहुत है बहुत है कर दो धीरे बहुत है पीड़ा लग रहा पीड़ा दिक्कत मान रहा बहुत बढ़िया भाई करते हैं आपको बना रखी हो थी रोक लियो यहाँ पे रोहित वाकई में शानदार तरीके से भैंसा भगाया जी नशे देखो कैसे खड़ी होगी भैंसे की अकेली अकेली नस चाहे गिन दो आप भैया अंदर लिया अंदर घुमा लियो अंदर लिया पीड़ा पीड़ा ना होने के कारण दिक्कत पड़ी है पीड़े की वैसा नॉर्मल हो गया ये देखो जी पीड़े के निशान वैसा ये है ये चीज़ें सारी लग के चल गई हैं ये इतने मैं खड़ा रहूँगा इतना मुँह फाड़ेगा जी अच्छा जी इतने मैं रहूँगा इसके थोड़े इतना मुँह फाड़ेगा इसे छोड़ दो क्या बात है जी क्या बात है नस एक गिन लो इसकी हाँ नस एक गिन लो जी वाकई में बहुत शानदार है बिल्कुल और लंबी दूरी है ना प्रधान जी बात मेन होती है लंबी दूरी में हम शॉट दिखाना
15 किलोमीटर में शॉर्ट दिखाना बड़ा कैड़ा काम है, लेकिन वाकई में आपने मोटरसाइकिल चलाई कितना उठ के चलाई? चालीस सैतालीस देख लो। मोटरसाइकिल ने बहुत दूर तक तो पकड़ा ही नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। वाकई में बहुत शानदार जी। हाँ जी, मैं कह रहा था जैसा इसका चैलेंज बताया था अभी। हाँ जी हाँ जी, तो मतलब इनकी तरफ से कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरीके का। हाँ, 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 ये आपने पहले क्लियर कर दिया। अगर कोई आकर जबरदस्ती इनके साथ करेगा जी तो भगा दिया जाएगा, फिर तो भगाना ठीक है ना, दिया जाएगा। बहुत अपनी तरफ से इनका कोई किसी को टॉर्चर करने वाली कोई बात नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, किसी भी भाई के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई। इस उम्र में भैंसे के पैर नहीं मिलते ऐसे जैसे पैर इसके, बिल्कुल सीधे पैर हैं जी। सच्चाई है, कोई भी हो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये तो पहले दिखा दिया मैंने वीडियो में, ये ऐसे नार खाए हुए भी था और एक पिड्ढे की वजह से ज्यादा दिक्कत थी, पैसे को बिच रहा था ज्यादा। बहरहाल भैया आपका अच्छा पशु है, भगवान इसे लंबी उम्र दे। बहुत बढ़िया गेम दिखाया जी। हाँ जी, नॉर्मल हो गया जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, जितने भी खड़े हैं सभी को राम राम। राम राम।